Hello? What? He's dead? Ana malum ana shugal. Kham fulus anta lazim ana jeep. Mafi khala zulum. Zulum fi ro sawa sawa. Anta ana sawa sawa. Sente, jin jang mo sa. Tayin la. Kwaya se. Kwaya ang pama ni man. Ha? Wotane, ni ma piyo pa. Kizo kumba kini. Nataka kila mtu katika familia wakuje kwa ile mazishi. Nataka kila mtu kwa familia wakuje kwa ile mazishi. Manake hii mazishi. You got damn fool. Killing a Babuji has been a major setback for us. You get me? Ana malum ana sugar. Come for us, Anta Lazi Manajib. Mafi khalasu. Zoom fi ro sawa sawa. Anta ana sawa sawa sidi. Mafi tani nafar. Yes. Hello. Come on, come on, come on. Kila mtu katika jamii na familia. Kila familia na jamii. Na jamii. Wakuje katika ile mazishi. Sitaki fujo ya aina yoyote. Lakini nataka kuwa na mazishi. जयरथ का ब्रेन स्कैन साफ दिखाता है दैट ही हैड अ ब्लॉकेज. क्या आपको इसकी खबर थी? जी, डॉक्टर ने कहा था कि फौरन सर्जरी करवाएं, लेकिन ड्यूटी के प्रेशर की वजह से जय ने ऑपरेशन नहीं करवाया था. ड्यूटी के प्रेशर से ज्यादा मुझे लापरवाही लगी. शायद आप इस बीमारी की गंभीरता को समझ नहीं रहे. खैर, लेट मी सी, देखते हैं क्या किया जा सकता है. आप जल्दी से जल्दी जय के किसी फैमिली मेंबर को बुला लें, क्योंकि इस फॉर्म पर उनके दस्तखत की जरूरत होगी मुझे. डॉक्टर, जय के फैमिली में कोई नहीं है. जो भी है मैं हूं. लाइए, मैं साइन करूं. डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर इज रेडी. हाँ, लाइए, मुझे आप दे दें. थैंक यू वेरी मच. क्या कहा डॉक्टर ने मेरी? ऑपरेशन शुरू हो चुका है. बस कुछ ही देर पहले शुरू हुआ. आई होप देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस. कहा क्या उन्होंने? कब तक ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? सबसे पहले तो कंसेंट पेपर पे उन्होंने मेरे दस्तखत दे दिए, और फिर कहा कि ऑपरेशन बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था. बहुत कुछ हो गया है बेनी, बहुत कुछ हो गया. कल सुबह मुझे प्रेस को स्टेटमेंट देना पड़ेगा बाबू चीना के मौत पर. तुम्हें क्या लगता है प्रेस सुबह तक इंतजार करेगी? नो अश्विनी, आई डोंट थिंक सो. अभी तक तो प्रेस वाले हेडक्वार्टर्स के बाहर घेरा डालकर खड़े होंगे. आई नो बिनी, चारों ओर सन्नाटा छा गया है. जुर्म के सारे तालों की एक ही चाबी थी ये हाई कमांड. फिलहाल तो चाबी भी टूट गई और ताला भी नहीं खुला. मैडम, हाउ इज जॉन? वो तो इज ऑल राइट. आप? आई एम डीसीपी अश्विनी कुमार, जय के सीनियर ऑफिसर. ठीक. टेल मी डॉक्टर, एनी कॉम्प्लिकेशंस? कम विद मी, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है. आइए. ये देखिए. ये क्या है डॉक्टर? ये मेटल चिप है. सर्जरी के दौरान हमें ये बुलेट वाले जख्म के अंदर से मिली. यू मीन टू से ये मेटल चिप जयरथ के फोरहेड के अंदर थी? जी हाँ, इस मेटल चिप को सर्जरी के जरिए फोरहेड में प्लांट किया गया था. यही उसके सरदर्द की वजह थी और ब्लड सर्कुलेशन में भी रुकावट की यही एक वजह थी. नाउ लिसन टू मी डॉक्टर, जब तक जयरथ होश में नहीं आया ये बात हम तीनों के बीच में सीमित रहेगी. लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी रिपोर्ट में तो ये मेंशन करना ही होगा. आई डोंट केयर डॉक्टर, यू विल नॉट रिपोर्ट इट एनीवेयर, ओके? क्योंकि इस चिप पर जो नंबर लिखा हुआ है 18344,
इसका मतलब क्या है और ये चिप जैरत के फोरहेड में क्यों रखी गई थी? जब तक इस सवाल के जवाब हमें नहीं मिलते, यू विल नॉट टेल दिस टू एनीवन। Excuse me, sir. Come in. Please sit down. What is the position of DCP Jairath's health? Sir, वो अब तक बेहोश है। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उसकी बेहोश होने की कोई वजह बताई? The doctors have not said anything. वजह क्या है? वो बता नहीं रहे। डॉक्टर्स नहीं बता रहे हैं या तुम नहीं बताना चाहते? Sorry, sir. Anyway, सूरज मलिक के दम तोड़ने की वजह तो बता सकते हो ना? According to the postmortem report, सूरज मलिक के शरीर से पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं और वो पोटेशियम साइनाइड किसी नोकीली चीज से इंसर्ट किया था, गले में छेद हुआ था। लेकिन वो नोकीली चीज आई कहां से? आई डोंट नो, मे बी वो लॉयर ले आया था या सूरज मलिक के पास थी। इट कुड बी अ केस ऑफ होमिसाइड और सुसाइड। क्या फर्क पड़ता है जुर्म का अंत कानून की तलवार से हो या पुलिस की बंदूक से? अगर अंदर ही अंदर वो एक दूसरे को खत्म करते हैं तो हमारा ही काम आसान हो रहा है ना। रिलैक्स, जीत हमारी है। सर, इस लड़ाई को जीत करके हम ये ना समझ बैठे कि इस जंग को हम जीत चुके। अश्विनी, तूफान खत्म हो चुका है। सूरज मलिक के साथ हाई कमांड की बॉडी मॉर्ग में पड़ी है। सूरज मलिक की जितनी प्रॉपर्टीज है, उसका न्यूज़पेपर, उसका बंगला, उसकी प्रॉपर्टीज, हर एक चीज हमने अटैच कर दी। इतने बड़े एम्पायर का कोई दावेदार नहीं? दावेदार तो कोई नहीं सर, उसके डेड बॉडी का भी कोई दावेदार नहीं, और बाबू चीना के डेड बॉडी को भी अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या उनके गैंग का कोई सर्वाइविंग मेंबर? कोई नहीं। कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। आई होप दे आर नॉट अप टू समथिंग। शतरंज के खेल में बादशाह की मात के बाद बचे हुए मोहरे चाल नहीं चल सकते। राइट सर, वो अगली बाजी बिछाने का इंतजार कर रहे हैं। सर, इन दोनों की बॉडी का क्या करना है? फॉलो द नॉर्मल प्रोसीजर, अखबार में नोटिस दे दो, 3 दिन तक कोई ना आए तो दोनों बॉडीज को लावारिस डिक्लेयर करके क्रिमेट कर दो। अश्विनी। यस सर। तुम जानते हो ना कि मुर्दे बोला नहीं करते? यस। What? आईजी खुराना को मेडल चिप के बारे में पता चला? कैसे? मैं तुमसे पूछ रही हूँ अश्विनी, ये बात तुम्हारे, मेरे और डॉक्टर के अलावा और कोई नहीं जानता था, फिर कैसे पता चला? विनी, कानून की आंखों पर पट्टी बंदी होती है, पुलिस की आंखों पर। यानी कि ये कानून बिना देखे सिर्फ सबूत चाहता है और पुलिस बहुत कुछ देखती है। और शायद इसी तरह आईजी खुराना ने भी बहुत कुछ देख लिया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ अश्विनी। मेरा सवाल ये है कि ये मेडल चिप के बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता था, फिर ये बात का पता आईजी खुराना को कैसे लगा? You don't forget, दीवारों के भी कान होते हैं। कान होते, होंठ नहीं होते। Are you trying to doubt me? तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने कहा नहीं भी नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ। अच्छा, anyway, आईजी खुराना को इस चिप के बारे में पता चल गया है और इसके जवाब सिर्फ तुम्हें देने हैं। नो सर, प्लीज डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल। जब तक खुराना इस कुर्सी पर है, चिंता करने की कोई बात नहीं। हर एक आदमी की हर हरकत पर मेरी नजर है। सर, मैं आपसे बात करूंगा। Good morning, Vinati. Good morning, sir. How's Jairath? Is he improving? Well, he's okay. Doctors are quite hopeful. So are we, Betty. Thank you, sir. हाँ, जैरथ के माथे से जो मेटल चिप निकला था, वो कहाँ है? सर, वो मेरे पास है। That's very good. लाइए दिखाइए, हम भी देखें। आखिर उस मेटल चिप में है क्या? Excuse me, sir. जब तक जय को होश नहीं आता, तब तक मैं ये मेटल चिप किसी को दिखा भी नहीं सकती। मिस विनोदी वर्मा, मैं किसी नहीं हूं, मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम्हारा फर्ज बनता है। सॉरी सर,
फर्ज के साथ साथ मैं अपने अधिकारों को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। प्लीज डोंट टीच मी द डिफरेंस बिटवीन अधिकार एंड फर्ज। सर आपने एक कहावत सुनी होगी, खाली कुएं में चिल्लाने से अपनी आवाज पलट कर वापस आती है। You mean to say you're not going to follow my instructions? सर आपके इंस्ट्रक्शंस मेरे ड्यूटी के दायरे के बाहर है। बिनौती तुम जानती हो कि ये मेटल चिप किसी इंपॉर्टेंट केस का वाइटल क्यू हो सकता है? 100%। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस मेटल चिप का संबंध सिर्फ जय से है और फिर किसी और से। ओह, जब तक जय होश में नहीं आता सारा डिपार्टमेंट उसका इंतजार करता रहेगा। मुझे समझ में नहीं आता सर कि इस मेटल चिप को देखने के लिए आप इतने बेताब क्यों हैं? नहीं, ज्यादा बेताब नहीं हो रहे हैं। We are doing our duty. But still, sir, I think you'll have to wait. विनोदी, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। सर, आई एम डूइंग व्हाट आई थिंक इज बेस्ट फॉर माय कंट्री एंड माय डिपार्टमेंट। विनोदी वर्मा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, शायद इसके लिए। सर, पछताना तो हर हाल में ही है, तो क्यों ना गलती करके ही पछताएं। गुड डे विनोदी। गुड डे सर। कमिंग टू क्लेम द बॉडी ऑफ माय फादर बाय द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। डिले कॉज़ेस रिग्रेटेड। Nandu Chinna. Facts from Canada. Sam के अंतिम संस्कार करने के लिए सफोला आ रहा है। जाहिर है जुर्म के समंदर की छोटी बड़ी मछलियां इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। We have to be very, very alert. हमें बहुत होशियार रहना होगा। सर आपको क्या लगता है, ये Nandu Chinna वगैरह हाईकमान का बेटा है या कोई बहरू? क्या हमें क्या फर्क पड़ता है, डेड बॉडी तो लेने आ रहा है ना, और फिर अंतिम संस्कार हम करें या उसका बेटा या कोई और। इस वक्त तो हमें राख से मतलब है। गाड़ी कहां से आई उससे हमें क्या करें। अश्विनी, हाई कमांड का फ्यूनरल कोई छोटी मोटी बात नहीं। वी हैव टू बी टोटली प्रिपेयर्ड। और फिर उसका सो कॉल्ड बेटा अंतिम संस्कार के लिए भी आ रहा है। यस सर, और इसके लिए सर मैंने कुछ प्लानिंग की हुई। गुड, लेकिन एक बात याद रखना, देयर कैन बी लॉट ऑफ पैनिक, वायलेंस एंड गैंग वॉर। जहां जहां से प्रोसेशन जाएगा वहां हमें रेड अलर्ट करना होगा। वी हैव टू बी टोटली प्रिपेयर्ड। सर, डोंट यू थिंक ये रेड अलर्ट करके पब्लिक में पैनिक होगा? लेकिन अश्विनी, पैनिक इज बेटर देन किलिंग्स। ऑलराइट सर, ये फ्यूनरल प्रोसेशन जिस जिस रोड से जाएगा वहां हमने कैमरा इंस्टॉल करवा दिए। वी आर कवरिंग अप द एंटायर फ्यूनरल प्रोसेशन। इट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। वेरी गुड। डॉक्टर? यस मैडम। होश आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, पर जैसे उनको होश आएगा हम फौरन आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, लेकिन मैंने कहा ना, प्लीज आप घर जाइए और फिक्र छोड़ दीजिए। आप यहाँ हर रोज सुबह शाम दो वक्त क्यों आती है? जी नहीं लगता डॉक्टर। डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ। माय मोबाइल नंबर, ये मेरा नया नंबर है, जैसे जय को होश आ जाए प्लीज मुझे आप इत्तला कर देना। ओके,
बाकी रहा। अब आप जाइए यहां से, हमें कोई देख लेगा। प्लीज गो, मैं आपको खबर देती रहूंगी।